देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आता है, ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई। ये ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होती है, जिसके चारों ओर सभी वर्टिसेस जो हैं सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे लाई करते हैं। ये डायगोनल्स हैं इसके ए सी और बी डी कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ई पर। इफ एंगल डी बी सी 70 डिग्री, डी बी सी देखिए कौन सा है, डी बी सी, ये एंगल 70 का है। एंड एंगल बी ए सी, बी ए सी देखो, बी ए सी ये एंगल 30 का है। फाइंड एंगल बी सी डी, बी सी डी देखो, बी सी डी ये सारा एंगल फाइंड करना है। ये फर्दर इफ ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी और बी सी इक्वल हैं, फाइंड एंगल ई सी डी, हमें ये ई सी डी एंगल भी फाइंड करना है। ई सी डी ये वाला एंगल, ये भी फाइंड करना है छोटा। तो कैसे फाइंड करेंगे, एज एंगल सी बी डी एंड एंगल सी ए डी मेड बाय आर्क सी डी। अब देखो सी बी डी कौन सा है, सी बी डी और सी ए डी ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपस में क्या है, ये किसके द्वारा बनाए हैं, आर्क सी डी के द्वारा बनाए हैं इन द सेम सेगमेंट। तो देयर फोर दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो देयर फोर एंगल सी बी डी इज इक्वल टू सी ए डी, एंगल ऑफ सेम सेगमेंट, ये लिख देंगे एंगल ऑफ सेम सेगमेंट। तो ये एंगल सी ए डी भी क्या हो जाएगा, 70 डिग्री का आ जाएगा। अब हम एंगल बी ए डी फाइंड कर सकते हैं। तो एंगल बी ए डी क्या होगा, ये है बी ए डी, ये सारा एंगल। एंगल बी ए सी प्लस डी ए सी, एंगल बी ए सी प्लस डी ए सी या सी ए डी एक ही बात है। तो अब देखिए बी ए सी 30 हमें गिवन था, और डी ए सी या सी ए डी ये वाला एंगल सेम है, सी ए डी या डी ए सी एक ही बात है। तो ये कितना आया हमारे पास, 70, ये 70 फुट कर दिया, 30 प्लस 70 क्या हो गया, 100। तो ये सारा एंगल हमारे पास 100 डिग्री का हो गया। अब हम हमारे पास ये एंगल आ गया 100 डिग्री का, कितने का आ गया, 100 डिग्री। 30 प्लस 70 क्या होता है, 100। तो एंगल बी ए डी हमारे पास 100 डिग्री हो गया ये सारा। अब हमें क्या फाइंड करना है, बी सी डी फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, ए बी सी डी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसके अपोजिट एंगल्स का सम क्या होगा, 180। तो एंगल बी ए डी प्लस बी सी डी इज इक्वल टू 180। तो सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। तो बी ए डी 100 है, बी सी डी फाइंड करना है, तो 100 प्लस बी सी डी इज इक्वल टू 180। तो इसको इधर कैरी करो, तो एंगल बी सी डी क्या आ गया हमारे पास, 80 डिग्री। तो ये सारा एंगल क्या आ गया हमारे पास, 80 डिग्री आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, ये छोटा एंगल फाइंड करना है। ये छोटा एंगल कैसे आएगा, अब देखिए ये ट्रेंगल है हमारे पास ए बी सी, इस ट्रेंगल की दो साइड इक्वल हैं, ए बी इक्वल टू बी सी, तो अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल। तो देयर फॉर एंगल बी ए सी इज इक्वल टू ए सी बी, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रेंगल आर इक्वल। तो एंगल ए सी बी हमारे पास क्या आ जाएगा, 30 डिग्री, ये 30 है तो ये भी क्या होगा, 30 डिग्री। तो बी सी डी एंगल है हमारे पास, ये किसके इक्वल है, एंगल बी सी ए प्लस डी सी ए या ए सी डी। तो बी सी डी 80 है, ये हमें 80 है, देखो बी सी डी 80 आया था। ए सी बी क्या है हमारे पास, 30 डिग्री गिवन है, और ए सी डी हमें फाइंड करना है। तो ये 30 को इधर कैरी करो, 80 माइनस 30 हमारे पास क्या आ जाएगा, 50 डिग्री। तो एंगल ए सी डी देखिए, ए सी डी 30 का आ गया, 50 सॉरी, जब ये 50 है तो ई ए सी पे ही लाई करता है, तो ई सी डी भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 50 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह से ये हम एंगल जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए कैसे करेंगे, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इफ डायगोनल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स ऑफ सर्कल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट इट इज ए रेक्टेंगल। ये एक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जिसको बोलते हैं, क्योंकि सर सारे लिखा है इसमें डायगोनल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये डायगोनल्स हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, ए सी और बी डी, ये डायमीटर्स हैं सर्कल के, क्या
क्या है ये, डायमीटर्स ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस से ही पास कर में ही से ही पास करते हैं। प्रूव दैट इट इज़ ए रेक्टेंगल, हमने हमने इसको रेक्टेंगल प्रूव करना है। रेक्टेंगल क्या होती है, जिस पैरेललोग्राम का ईच एंगल क्या होता है 90 डिग्री का, तो ये एंगल्स जो है 90 90 के प्रूव करने हैं। कैसे हम 90 90 के प्रूव करेंगे और इसको पैरेललोग्राम भी प्रूव करेंगे क्वाड्रिलेटरल को, तो देखिए गिवन क्या है, ए बी सी डी बी ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वेयर डायगनल्स ए सी एंड बी डी आर डायमीटर्स। ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसके ए सी और बी डी डायमीटर्स हैं, हमें क्या प्रूव करना है, ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल वही होती है जिसके अपोजिट साइड्स या ईच एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल हुज ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, तो हम ये एंगल्स को 90 डिग्री का प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव करेंगे, देखिए सिंस ए सी इज द डायमीटर, ए सी डायमीटर है, तो आर्क ए बी सी, ये आर्क ए बी सी कौन सा एंगल ड्रा कर रही है, ए डी सी ड्रा कर रही है, ये सेमी सर्कल है और ये एंगल ए डी सी क्या होगा 90 का होगा, या ये एंगल क्या होगा 90 का होगा। आर्क ए बी सी इज ए सेमी सर्कल, देयर फोर एंगल ए बी सी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगा 90 डिग्री का, क्या हो जाएगा 90 डिग्री, तो एंगल ऑफ सेमी सर्कल। सिंस बी डी इज द डायमीटर, बी डी भी डायमीटर है, आर्क बी ए डी इज ए सेमी सर्कल, ये बी ए डी आर्क जो है सेमी सर्कल है, तो एंगल बी ए डी भी क्या होगा 90 डिग्री का होगा, एंगल ऑफ सेमी सर्कल। तो देयर फोर अब देखिए ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, हम क्या करेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को क्या प्रूव करेंगे, इसका ये एंगल और ये एंगल फाइंड करेंगे। सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है 180 डिग्री, तो अब देखिए एंगल बी सी डी, बी सी डी कौन सा है ये वाला एंगल, और बी ए डी ये वाला, अपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है 180, तो एंगल बी सी डी प्लस बी ए डी क्या हो गया 180 डिग्री, तो बी सी डी क्या आ जाएगा, बी ए डी 90 पुट कर देंगे तो 90 को इधर कैरी करो, तो बी सी डी प्लस 90 इज इक्वल टू 180, 90 उधर कैरी किया माइनस 90 हो गया, तो एंगल बी सी डी क्या हो गया 180 माइनस 90 कितना आ गया 90 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, दूसरा एंगल ये भी फाइंड करेंगे, बी डी सी, सॉरी सी डी ए, सी डी ए कैसे या ए डी सी कैसे फाइंड करेंगे, एंगल ए बी सी प्लस ए डी सी, इन दोनों का सम भी क्या है 180 डिग्री है, तो ए डी सी हमें फाइंड करना है, ए बी सी 90 है ये पुट कर दिया 90, ए डी सी प्लस ए बी सी की जगह ये यहाँ पे पुट कर दो 90 डिग्री, तो 90 को इधर कैरी करो, 90 इधर आ गया माइनस हो गया, तो एंगल ए डी सी क्या हो गया 180 माइनस 90 क्या आ गया 90 डिग्री, तो एंगल ए डी सी हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा ये। अब देखिए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है, इसके सभी एंगल्स क्या हो गए इक्वल हो गए 90 90 हो गए सभी, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एंगल ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू सभी क्या हो गए हमारे पास 90 90। देखिए ये एंगल 90 का था एंगल ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है, ये एंगल भी 90 का था एंगल ऑफ सेमी सर्कल, ये और ये अपोजिट एंगल्स, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल 180 होता है, तो ये 90 का माइनस कर दिया, ये एंगल भी 90 का हो गया, इन दोनों का सम भी 180 है क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये एंगल भी 90 का आ जाएगा, तो ये 90 90 के आ गए सभी एंगल्स। तो सिंस एंगल ए इक्वल टू सी है, ए और सी आपस में इक्वल है, बी और डी आपस में इक्वल है, तो ये किसके इक्वल होते हैं, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो किसके होते हैं ये इक्वल, पैरेललोग्राम के, तो देयर फोर ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, तो ये जब पैरेललोग्राम है तो आल्सो ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, सो ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम विद वन एंगल 90 डिग्री, देयर फोर ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, तो ये क्या बन जाएगी, एक रेक्टेंगल बन जाएगी। तो इस तरह से क्योंकि हमने ये पैरेललोग्राम प्रूव की किससे, अपोजिट एंगल से, अपोजिट एंगल्स इक्वल प्रूव कर दिए हमने, ये 90 है तो ये भी 90, ये 90 है तो ये भी 90, यानी अपोजिट एंगल्स का पेयर दोनों आपस में क्या हो गए इक्वल हो गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पैरेललोग्राम बन गई, और पैरेललोग्राम जब बन गई है तो पैरेललोग्राम के सभी एंगल जिसके 90 90 होते हैं तो वो क्या होती है, एक रेक्टेंगल होती है। तो इस तरह से ये प्रूव करते हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, इफ नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपीजियम आर इक्वल, नॉन पैरेलल साइड्स
ट्रेपीजियम की नॉन पैरेलल साइड्स जो हैं वो क्या दिए हैं, इक्वल दिए हैं। प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। ये हमारे पास ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है, ठीक है, इसकी ये नॉन पैरेलल साइड्स हैं, ये आपस में इक्वल हैं, यानी ए डी और बी सी क्या है, इक्वल हैं। तो हमें ये साइक्लिक प्रूव करनी है। साइक्लिक कैसे प्रूव होगी, कैसे प्रूव होगी, जब अपोजिट एंगल्स का सम क्या होगा, 180, इन दोनों का भी सम क्या होगा, 180। तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे हम इसको, ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम इन विच ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये साइड जो है ट्रेपीजियम की नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल है, तो ए बी सी डी को हमने साइक्लिक ट्रेपीजियम प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, ड्रॉ ए एल परपेंडिकुलर टू डी सी एंड बी एम परपेंडिकुलर टू डी सी ऑल्सो। तो ये परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए हमने। अब देखिए हमारे पास ये दो ट्रेंगल बनती हैं, इन दोनों ट्रेंगल्स को हम कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देंगे, इन ट्रेंगल ए डी एल एंड बी सी एम, ए डी एल ये है, बी सी एम ये है, तो इन दोनों ट्रेंगल्स को कॉन्ग्रेंट कैसे प्रूव करेंगे, एंगल वन इक्वल टू टू ईच 90, ए डी इज इक्वल टू बी सी परपेंडिकुलर, सॉरी गिवन है ये, ए डी और बी सी इक्वल है, और ए एल इक्वल टू बी एम, ए एल और बी एम इक्वल है, क्यों, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस इक्वल होता है, तो देयर फॉर दोनों ट्रेंगल्स क्या होगी, कॉन्ग्रेंट होगी, ट्रेंगल ए डी एल इज कॉन्ग्रेंट विद ट्रेंगल बी सी एम बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन। तो जब ये कॉन्ग्रेंट हैं तो एंगल डी इक्वल टू सी, ये एंगल डी जो है एंगल सी के इक्वल है बाई सी पी सी टी। बट अब देखिए ए, ये एंगल ए और डी, इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये और ये पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है, तो इनको हम को इंटीरियर एंगल्स कहेंगे, तो एंगल ए प्लस डी इज इक्वल टू 180 को इंटीरियर एंगल्स। तो अब देखिए डी की जगह क्या पुट कर देंगे हम, सी पुट कर देंगे, क्योंकि डी किसके इक्वल है, सी के इक्वल है, तो यहाँ पे डी की जगह है सी पुट कर दिया, तो एंगल ए प्लस सी क्या हो गया, 180 डिग्री, तो ये वन और ए और सी 180 डिग्री हो गया। तो जब ये 180 डिग्री है का इन दोनों का सम, तो इन दोनों का भी क्या आएगा, 180 डिग्री होगा। सिमिलरली एंगल बी प्लस डी इज 180 डिग्री, देयर फोर ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एज सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री। तो इस तरह से ये हम इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक ट्रेपीजियम जो है प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, इफ देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स बी एंड सी, ये सर्कल है और दूसरा सर्कल है, कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बी और सी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, थ्रो बी टू लाइन सेगमेंट्स, कौन कौन से, ए बी डी ये और पी बी क्यू ये, और ड्रान टू इंटरसेक्ट द सर्कल्स एट ए डी एंड पी क्यू रिस्पेक्टिवली। तो ये ए बी डी इसको ए और डी पर इंटरसेक्ट करता है, पी बी क्यू इसको पी और क्यू पर इंटरसेक्ट करता है। प्रूव दैट एंगल ए सी पी इज इक्वल टू क्यू सी डी। तो हमने ए सी पी एंगल देखो कौन सा है, ए सी पी ये एंगल और ये एंगल क्यू सी डी, ये इक्वल प्रूव करने हैं। कैसे हम इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव करेंगे, देखिए सिंपल सा है बिल्कुल। देखिए एज लाइन सेगमेंट ए बी डी एंड पी बी क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट बी, बी पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल। तो एंगल पी बी इज इक्वल टू क्यू बी डी, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये दोनों आपस में क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ये नंबर वन ले लिया हमने। अब ये आर का है पी ए, ये एक तो ये एंगल ड्रा कर रही है और एक ये एंगल ड्रा कर रही है इसी सेगमेंट में, इसी सेगमेंट में, तो आर्क पी ए में एक एंगल पी बी ए एंड पी सी ए या ए सी पी इन द सेम सेगमेंट, देयर फॉर बोथ द एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट कहेंगे, ये नंबर टू ले लिया हम। ऐसे ही ये आर्क है डी क्यू, ये क्या कर रही है, ये एंगल ड्रा कर रही है और ये एंगल ड्रा कर रही है, तो ये एंगल्स भी क्या होंगे, सेम सेम सेगमेंट के होंगे। तो आर के डी क्यू में एक एंगल डी बी क्यू एंड क्यू सी डी इन द सेम सेगमेंट, देयर फॉर बोथ द एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट, ये नंबर थ्री आ गया। अब देखिए हम इनको कंपेयर करेंगे फ्रॉम 1, 2 एंड 3, पी बी क्यू क्यू बी डी के इक्वल है, तो ये
सॉरी पी बी ए क्यू बी डी के इक्वल है, पी बी ए इक्वल टू क्यू बी डी, तो पी बी ए और क्यू बी डी इक्वल हो गए, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, तो ये दोनों भी क्या होंगे आपस में इक्वल। ये नंबर वन में देखिए हमने दोनों एंगल इक्वल दिए हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे इक्वल, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल भी क्या आपस में इक्वल, देयरफॉर एंगल ए सी पी इज इक्वल टू क्यू सी डी, तो ये प्रूव हो जाता है।